किसी इंसान के अर्थी जाते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि किसी पेड़ की अंतिम यात्रा भी निकाली जा सकती है? जी हाँ, मुंबई के बोरीवली पूर्व राजेंद्र नगर में नारियल के पेड़ की अंतिम यात्रा निकाली गई। मामला कुछ ऐसा था कि कुछ अनजान लोगों ने बीते दिनों में 4 से 6 नारियल के पेड़ों में ड्रिल करके केमिकल डाल दिया, जिससे पेड़ सूख गया। आज आपण ज्या झाडाखाली उभे आहोत त्याला काही दिवसापूर्वी म्हणजेच 25 डिसेंबर आणि 26 डिसेंबरच्या मध्ये ड्रिल करून त्यांना इंजेक्शन दिलेलं गेलं आणि त्याच्यामध्ये विष दिलेलं गेलं आहे। त्याच्यामधलं एक झाड आता मेलेलं आहे आणि 3 झाडं आता उभी आहेत, ती पण आता सुकतायत आणि काही दिवसातच मरणार आहेत। तर त्याच्यामुळे आम्ही यांची जे झाड गेलं जे आपल्याला सर्व काही माणसांना निस्वार्थीपणे देते ऑक्सिजन ते आपल्यातून आज गेलेलं आहे। आम्ही एक शवयात्रा काढली काही 2 दिवसापूर्वी, त्यावेळी पोलिसांनी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की आम्ही ज्यांनी हे कृत्य केलं आहे त्या व्यक्तीला शोधून त्याच्यावर कारवाई करू, पण तसं होताना कुठे दिसत नाही आहे। त्यामुळेच प्रत्येक मुंबईकरांना आम्ही आवाहन करतो आहोत की अशा ठिकाणी जे काही होते आहे ते थांबलं पाहिजे आणि थेट कारवाई महानगरपालिकेवर झाली पाहिजे, कारण महानगरपालिकेला 25 तारखेला कळून देखील 7 जानेवारीला ते आले आहेत, म्हणजे 12 दिवसाचा डिले पिरियड झालेला आहे। त्याच्यामध्येच हे झाड गेलेलं आहे, फर्स्ट एड कुठलंच दिलं गेलेलं नाही आहे, प्रथम उपचार त्यांच्यावर झाले पाहिजे होते, ते झालेले नाही आहेत आणि आज झाड मेलेलं आहे। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस और बीएमसी में की थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। जब तक कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, जिसे कहते हैं लॉ एनफोर्समेंट, जब तक किसी को सजा नहीं मिलेगी लोगों को इस पर कोई भरोसा नहीं होने वाला है। आप 50 लॉ बनाइए, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों को क्या फ़ायदा वो बनाने के लिए? या तो मैं खुद ही अपने हिसाब से एक अपना आर्मी बनवाऊँ, एक बंदूक लेके खुद घूमूँ और अपना अपने तरीके से एक वॉचमैन रखूँ हर पेड़ों को ध्यान रखने के लिए। जब पुलिस नहीं कर पाएगी तो हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। 15 से 20 दिन के अंदर ही एक पेड़ केमिकल के प्रभाव से सूख कर गिर गया। इसका शोक व प्रशासन की नींद खोलने के लिए स्थानीय लोगों ने पेड़ को पैदल यात्रा निकालकर हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया। में जितने भी बिल्डिंगें बनती है तो वहाँ पे शोपीस झाड़ मत लगाया जाए, जैसे पाम का झाड़, रबर का झाड़, ये 24 घंटा कार्बन डाइऑक्साइड देती है। तो हमने उनको ये मांग किया था कि वहाँ पे दूसरे झाड़ लगाया जाए, तो परदेशी साहब ने भी मान्य किया था कि नहीं, अपने को ये कानून एक बनाना है कि बिल्डिंगों के अंदर अपने को पाम का झाड़, फिर रबर का झाड़, ऐसे जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं 24 घंटा, उनको नहीं लगाया जाए। लेकिन वो आज तक अभी बोरीवली के अंदर इतने झाड़ काटे जा रहे हैं, उनकी टहनी ऐसी काटी जा रही है, क्या महानगर पालिका को क्या सूझ रहा है, कौन कंप्लेन कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है।